आप सभी को टीम एनडब्ल्यूएम को और सभी देशवासियों को नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं प्रदीप, मैं हूं फाउंडर इन्वेंटर एनडब्ल्यूएम। मैं नेचुरोमेटिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से बात करता हूं आपसे। अब ये जो हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, अब इसमें दो बात आप कर सकते हैं। एक तो आप ये है कि अपना ध्यान ना रखें और अपने आप को बीमार कर लें। एक दूसरी बात यह है कि घर में रहते हुए हम अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास कर लें। तो अब देखिए, ये बहुत अच्छा मौका मिला है। जो हमारे क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स कहते थे कि हम नवरात्र के व्रत इसलिए नहीं रख पाते कि हम तो घर पे रहते ही नहीं है, तो अब ये बहुत अच्छा मौका मिला है। आप सब घर पे हो, तो घर पे होने पे अगर ये भी हो कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखें। आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने का टाइम है ये, और ये देवी माता से प्रार्थना है कि हम सबके परेशानियों को, रोगों को दूर कर दें वो। उसके लिए हमें थोड़ी सी, हमें भी सजगता की जरूरत है, थोड़ा सा अनुशासन की जरूरत है। तो हमें करना क्या है, एक तो अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है। खाने पीने अपना हल्का रखिएगा, लिक्विड डाइट जरूर रखिएगा, और कोई ऐसी चीज मत खाइए जिससे आपका गला खराब हो जाता हो। ये आप बेटर जज होते हो कि आपको क्या खाने से नुकसान होता है। जैसे किसी किसी को उड़द की दाल आराम से पच जाती है, किसी को मूंग की दाल नहीं पचती है। तो आपको ये खुद अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि आपको क्या चीज नुकसान करती है, क्या चीज फायदा करती है। किसी को खीरा आराम से पच जाता है, किसी को खीरा नहीं पचता है। तो इस बात का ध्यान आप रखें। लेकिन जो जनरल चीजें हैं वो सबके लिए अच्छी हैं। जो आजकल का समय है उसमें हमें ऐसी चीजें खानी है जिससे हमें म्यूकस ना बने। तो ऐसे में मैदा, वनस्पति घी और सफेद नमक और चीनी, इसका प्रयोग या तो बंद कर दें या कम खाएं। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम फलाहार पे रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फलाहार पे रहने की कोशिश करें। अगर अन्न लेते भी हैं तो देखिए, इसको ये जो समय है इसको आप शोधन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस ये ही करना है कि सब्जी पे, फ्रूट्स पे, ऐसी चीज पे रहें जो पेट में ज्यादा रुकती ना हो। अब जैसे मैदा रुक जाती है, तो मैदा को शरीर से निकालने का एक तरीका भगवान ने खुद बना रखा है, क्योंकि मैदा छिलके के अंदर आती है, गेहूं के अंदर। वो छिलका अलग हटा दिया जाता है चोकर के नाम से। उस चोकर को दोबारा आपको मिलाना होगा तो काम बन जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को आप उसमें इस्तेमाल करें, नारियल पानी अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बार बार मैं फिर यही कहता हूं कि ध्यान इस बात का रखें कि आपको कफ ना बने, म्यूकस ना बने आपके अंदर। इन दिनों का सबसे अच्छा प्रयोग यही होगा कि हम अपने घर में रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर कोई लक्षण आता है किसी के तरह की बीमारी का, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जो हमारा चिकित्सा तंत्र है, जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी बातों को सुने और अक्षरशः पालन करें। ये नहीं है कि जब कोई लक्षण दिख जाए उसके बाद में आप कुछ घर की चीजें अपने ऊपर आजमाते रहें, ऐसा ना करिए बिल्कुल भी। अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है ऐसा, जिसको आपको लगता है कि कई दिन हो गए हैं और आपसे नहीं संभल रहा है, तो बस उसमें और ज्यादा कुछ अपना दिमाग ना लगा के सीधा चिकित्सा के पास, अपने चिकित्सक के पास हमने जरूर जाए। थैंक यू वेरी मच।